YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सत्येंद्र में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के पैरेलल में हम इकोनॉमी की वीडियो प्रारंभ करने वाले हैं, और आज ये इकोनॉमी की पहली वीडियो है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इकोनॉमी आपको पढ़नी कैसे है। इकोनॉमी को हम बेसिक टू टॉप तक पढ़ेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बॉटम टू टॉप तक पढ़ेंगे, यानी छोटी छोटी चीजों से लेकर और जितने भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो इकोनॉमी, और एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो इकोनॉमी है और इकोनॉमिक्स, इन दोनों में अंतर क्या है। तो ये शब्द लिख दिया मैंने इकोनॉमी, या इसको हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था। दूसरा शब्द मैंने लिखा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो अगर मैं आपको रीजनिंग के अकॉर्डिंग इसको समझाना चाहूं तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये जो सर्कल बना हुआ है, ये जो वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना है किसका? इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। और अर्थशास्त्र के अंदर एक छोटा सा मैंने वृत्त बना दिया है, ये वृत्त है किसका? इकोनॉमी का। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का एक छोटा सा पार्ट है अर्थव्यवस्था। यानी अर्थशास्त्र में हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कीन्स ने क्या क्या बताया, इसके अलावा और भी कई सारे विद्वान हैं, जैसे पेल्प ने क्या बताया। तो कई सारे विद्वान हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या थ्योरी दी। उन सभी थ्योरीज को कवर करते हुए एक सब्जेक्ट बनती है अर्थशास्त्र। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे अगर हम कहें कि वर्तमान समय में जो देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से, किन सिद्धांतों पर चल रही है, तो उसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? इकोनॉमी का। तो हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। हमें क्या पढ़नी है? इकोनॉमी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो इकोनॉमी से बनेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र बहुत ही बृहद सब्जेक्ट हो जाता है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है हमें। कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन बताता हूँ कि इकोनॉमी आखिर कहेंगे किसको। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, किसी समाज में रहने वाले लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तंत्र को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी यहां पर मैंने बताया आपको कि किसी समाज में रहने वाले लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सिस्टम को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि जो भौतिक आवश्यकताएं शब्द है, इस भौतिक आवश्यकताओं का मीन क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो आपको कोई कपड़ा खरीदने जाना है मार्केट में, तो ये क्या है? भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु का मतलब ऐसी वस्तुएं जो हमें आंखों से दिखती हैं। अब मान लो इसके लिए अगर हमें कपड़े खरीदने जाने हैं तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। अब ये पैसा किसके पास पहुंचा जहां से हमने कपड़ा खरीदा? अब जो कपड़े वाला है वो इन कपड़ों को कहीं से लेके आया होगा, तो
वो क्या करेगा, वो वहां से जब कपड़ा लेने जाएगा तो इन्हीं पैसों को वो वहां पर दे देगा। तो इससे क्या बन रहा है, एक चक्र बन रहा है, साइकिल बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था काम करती है। तो यहाँ पर यानी किसी भी समाज में रहने वाले लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तंत्र को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये एक सामान्य सी परिभाषा है किसकी, अर्थव्यवस्था की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था कई प्रकार की हो सकती है। जैसे एक अर्थव्यवस्था को मैंने नाम दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इसको बोलते हैं कैपिटल इकोनॉमी। दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर इसको कह सकते हैं सोशल इकोनॉमी। यानी अर्थव्यवस्था को हमने दो भागों में बांट दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें एक रूल ध्यान रखना है, और वो रूल है डिमांड और सप्लाई। इसको कहते हैं मांग और इसको कहते हैं आपूर्ति। अगर हम बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटल इकोनॉमी जो है इसके अंतर्गत, यहां पर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक कोई व्यापारी है या विक्रेता है और दूसरा है खरीददार, या फिर इसको कह सकते हैं क्रेता। विक्रेता ने क्रेता को कोई सामान दिया तो क्रेता इसको क्या देगा, पैसे देगा। अब मान लो क्रेता को 10 वस्तुओं की आवश्यकता थी और विक्रेता ने 10 वस्तुएं ही मंगाई, तो यानी यहां पर यह है कि ये उतनी ही वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है जितनी इसको आवश्यकता है। तो यहां पर जो कीमत है वो स्थिर रहेगी, कीमत है स्थिर रहेगी। कैसे, अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि मान लो 10 वस्तुएं हैं और यहां पर खरीदने वाले हैं 50, इसका मतलब आपूर्ति क्या है, कम है, क्योंकि वस्तुएं 10 हैं, 10 की सप्लाई हो रही है। ये लोग खरीदने वाले कितने हैं, 50, तो 50 में से 10 ही खरीद पाएंगे। तो 10 लोग ये कहेंगे कि भाई मैं पैसा ज्यादा दूंगा इसका, मैं पैसा ज्यादा दूंगा, लेकिन हमें चाहिए, कितने भी पैसे में चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए कीमत को स्थिर रखने के लिए, कीमत को स्थिर रखने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी जितनी मांग होती है उतनी ही सप्लाई देनी पड़ती है। अगर यहां पे खरीदने वाले 50 हैं और वस्तुओं की संख्या 100 है तो क्या होगा, यानी वस्तुओं की कीमत गिर जाएगी। गिर इसलिए जाएगी क्योंकि जो विक्रेता है वो ये कहेगा मेरी सारी वस्तुएं खराब होंगी, इससे तो बेहतर है कि मैं सस्ते में बेच दूं, इसलिए वस्तुओं की कीमत गिर जाएगी। तो वस्तुओं की कीमत को स्टेबल बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए, यानी आपूर्ति और मांग दोनों को बराबर कर देना होता है। अब यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि मांग और आपूर्ति, ये जितनी भी चीज, मतलब दोनों जो चीजें हैं, इसमें सरकार नहीं बोलती है बिल्कुल भी। जैसे यहां पर मार्केट जो है उस मार्केट में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसे अगर हम बात करें तो मार्केट में पेट्रोल खरीदने वाले कुछ लोग हैं, मार्केट में पेट्रोल खरीदने वाले कुछ लोग हैं और बेचने वाले कुछ लोग हैं, तो बेचने वाले लोग और पेट्रोल खरीदने वाले लोग आपस में मिलकर कीमत का निर्धारण कर लेंगे। किसके माध्यम से, डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से कीमत का निर्धारण कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी यहां पर सरकार ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। सरकार को मतलब है सिर्फ टैक्स से, यानी
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, मतलब सरकार जब बोलती है, जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तब सरकार बोलती है। जैसे मान लो पेट्रोल का विक्रेता ये कहे कि मुझे बहुत अधिक मात्रा में यानी पैसा लेना है इस पर पेट्रोल पर, तो क्या होगा, तब सरकार कहेगी कि नहीं नहीं इससे इस कीमत से ज्यादा आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो यानी ऐसी अर्थव्यवस्था, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, मैं बोल देता हूँ, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था कहां पर पाई जाती है, तो पश्चिमी देशों में। ऐसी अर्थव्यवस्था कहां पर पाई जाती है आपकी, पश्चिमी देशों। पश्चिमी देशों में कौन कौन से देश हैं, तो अगर हम बात करें तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके अलावा बेल्जियम है, कई सारे देश हैं, स्पेन है। तो इन सभी देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यानी यहां पर जो बाजार होता है उस बाजार में सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार ने अगर पेट्रोल विक्रेताओं से ये कह दिया कि आपको पेट्रोल 10 रुपए लीटर में बेचना है तो 10 में ही बेचना है, यहां पर विक्रेता कुछ नहीं कर सकता है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, यहां पे हस्तक्षेप नहीं था, यहां पे सरकार बोल रही है बराबर, यहां पे सरकार नहीं बोलती। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आपको दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में समझ में आ गया होगा, पूंजीवादी और समाजवादी। लेकिन भारत आजाद हुआ था 1947 में और 1950 में संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से भारत ने डेवलपमेंट करना प्रारंभ किया था। तो भारत के साथ सामने बहुत सारी समस्याएं थी, तो भारत ने सोचा कि कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जाता है, गरीब लगातार गरीब होता जाता है, यहाँ पर सभी एक समान है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं तो लोग निकम्मे हो जाते हैं। तो दोनों ही चीजों के निगेटिव इम्पैक्ट थे जिसकी वजह से भारत ने एक अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया, उसने कहा कि हम दोनों के लक्षण लेंगे, यानी इसके कुछ अच्छे गुण अपनाएंगे और इसके भी कुछ अच्छे गुण अपनाएंगे। और भारत ने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, उस अर्थव्यवस्था का नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी या मिसलेनियस इकोनॉमी। तो यहां पर अर्थव्यवस्था के मूल रूप से दो ही प्रकार थे, लेकिन अब प्रकार कितने हो गए, तीन। अगर आपसे पूछ ले कोई भी कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पर पाई जाती है, रूस, चीन, वियतनाम, ठीक है, ये जो देश है इनमें कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां है, भारत, श्रीलंका, इस तरीके के देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो यहां से सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित, या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है तो कौन सा है, भारत। इस तरीके से आपका क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता रहता है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। यानी सरकार डिमांड एंड सप्लाई के रूल में हस्तक्षेप कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होगी। अब अर्थव्यवस्था को हम अन्य प्रकारों से भी देख लेते हैं। एक जैसे अगर हम कहें कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो अर्थव्यवस्था के आधार पर कुछ देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं और कुछ देश
विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, विकासशील यानी डेवलपिंग और विकसित यानी डेवलपिंग। यानी यहां पर अर्थव्यवस्था के आधार पर हमने देशों को दो भागों में बांट दिया, विकासशील और विकसित। अब मैं आपसे कहूं कि विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है और विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो यहां पर देशों को पहचानने का कोई एक मानक नहीं है, एक मानक नहीं है, यानी पैसे के आधार पर नहीं बता सकते हम कि कौन सा देश विकासशील है कौन सा विकसित है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, कुछ भी नाम ले लेते हैं, मोहन, सोहन, रोहन, मान लो एक नाम ले लिया जैसे आशीष। अब मान लो इसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं है। जो भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति से बात करता है अभद्र तरीके से बात करता है, इसके अलावा इसका जो व्यवहार है वो समाज के प्रति बहुत ही बुरा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये विकसित नहीं है। कैसा नहीं है? विकसित नहीं है। ये कह सकते हैं पैसे वाला है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्या है, विकसित नहीं है। क्यों विकसित इसलिए नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पर ये लक्षण इसके खराब है। तो यहां पर विकसित या विकासशील का कोई एक मानक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई देश पैसे वाला है तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये विकासशील देश है और ये विकसित देश है। तो फिर क्या मानक होगा, इसको समझने की आवश्यकता है। तो अगर मैं कहूं कि कोई भी ऐसा देश जहां पर शिक्षा का स्तर खराब हो, देखो यहां पर मैं तीन चीजों पे, इकोनॉमी में तीन चीजों का यूज ज्यादा करूंगा। एक नीचे की तरफ एरो लगा दिया, इसका मतलब वो चीज घट रही है। ऊपर की तरफ एरो लगा दिया, इसका मतलब वो चीज बढ़ रही है। और ऐसे लगा दिया, इसका मतलब स्टेबल है, वहीं की वहीं। तो विकासशील देश ऐसे देश होते हैं जिनमें शिक्षा का स्तर खराब होता है, विकसित देश ऐसे देश होते हैं जिनमें शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। अगर हम बात करें तो विकासशील देश ऐसे देश होते हैं जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही घटिया होती हैं, और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होती हैं, बेहतर। जैसे आपने इंडिया में ही देखा होगा स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे दिल्ली एम्स में चले जाओ, एम्स में अभी कुछ समय पहले की बात है कि लगभग 2-3 महीने पहले की, कि एक महिला है, उन्होंने कहा कि मुझे एम्स में चेक करवाना है। उनको किसी ने बता दिया था कि यहीं आगरा में ही चेक करवाया था, तो उनको कैंसर की शिकायत थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसका ऑपरेशन एम्स में करवाऊंगी, जो दिल्ली एम्स है उसमें। तो मैंने कहा ठीक है, एम्स में जाकर चेक करवाइए। तो जब वो एम्स में जाकर चेक करवाने गई तो उनको 2023 की डेट दी गई कि 2023 में आना, यानी उन्होंने नंबर लगाया और वो नंबर लगा 2023 में, यानी अभी तक में, यानी इतने केस पेंडिंग हैं कि 2023 में डॉक्टरों को देखने का नंबर आएगा। और यहां पर अगर बात करें तो 2023 तक, तब तक तो पता चलता है कि कैंसर से कई कैंसर की जो समस्या है वो काफी घातक हो सकती है। तो यहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो क्या है, घटिया है। विकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो होंगी वो बेहतर होंगी। अच्छा, जो विकासशील देश होगा उसमें रोजगार के साधन अधिक होंगे कि कम? कम होंगे। यहां पर रोजगार के साधन क्या होंगे, अधिक होंगे। अच्छा, यहां पर बेरोजगारी अधिक होगी कि कम? यहां पर बेरोजगारी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अभी अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर क्या है, बेरोजगारी है, नौकरियां निकलती नहीं है, जितनी वैकेंसी आती है एग्जाम नहीं हो पाता है। मान लो अगर सरकार एग्जाम करवा भी देती है तो फिर रिजल्ट नहीं निकालते हैं, रिजल्ट निकाल देंगे तो उसमें विवाद होगा कुछ ना कुछ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, उसको एक बार में मानेंगे नहीं, फिर दोबारा ऑर्डर करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये यहाँ की सरकार की समस्याएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो विकसित देशों में जो बेरोजगारी का स्तर होगा वो क्या होगा, कम होगा।
यानी बहुत ही कम लोग बेरोजगार होंगे, मैक्सिमम लोगों के पास रोजगार होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तकनीकी टेक्नोलॉजी, तो तकनीकी यहाँ की घटिया होगी और यहाँ की तकनीकी कैसी होगी, बेहतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चार पांच चीजें ले ली। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चार पांच चीजों के आधार पर डिसाइड करेंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो होगी वो कैसी होगी, पिछड़ी हुई होगी। खेती, यहाँ की खेती कैसी होगी, यानी बहुत ही बेहतर किस्म की होगी। यानी अर्थव्यवस्था के आधार पर हमने देशों को देख लिया, विकासशील और विकसित, ठीक है। विकासशील और विकसित के मानक जो हैं वो काफी सारे मानक है, यानी हर क्षेत्र की तुलना करेंगे। यहाँ पर हर क्षेत्र बेहतर होगा, यहाँ पर हर क्षेत्र क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर क्षेत्र कमजोर है तो कमजोर ही रहेगा, वो उन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता होती है, सुधार करने की जरूरत है यहाँ पर। यानी चीजों को आसानी से धीमे 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 करके क्या करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं, और विकासशील से देश कन्वर्ट होते जाते हैं, किसमें, विकसित में, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को हमने दो भागों में बांट के देख लिया, विकासशील और विकसित। मुझे लग रहा है कि सारी चीजें आसानी से क्लियर हो रही हों, ये ध्यान रखिएगा। और ये जितना टफ सब्जेक्ट है मैं आपको उतनी ही आसान बना के इस सब्जेक्ट को दूंगा। इसके अलावा दो शब्द और हैं, उन शब्दों को क्लियर करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि एक शब्द है विकास, डेवलपमेंट, और दूसरा है ग्रोथ या समृद्धि। जैसे मैंने कहा कि भारत स्टील के क्षेत्र में अच्छी समृद्धि दर्शा रहा है, अच्छी ग्रोथ दर्शा रहा है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, और विकास का मतलब भी क्या है, बढ़ना। फिर मैंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की पटरी से उतर चुकी है, या फिर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकास नहीं कर पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि हो रही है, या फिर भारत का जो स्टील क्षेत्र है उसमें समृद्धि हो रही है। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, बिल्कुल इसका मीन वैसे ही है जैसे मैंने कहा कि ये है डेवलपमेंट, विकास, और ये है छोटा सा ग्रोथ। देखो समृद्धि जो होगी वो हमेशा एक क्षेत्र में होगी, छोटे से क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा स्टील क्षेत्र में। अब पता चल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम गड़बड़ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम गड़बड़ है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काम गड़बड़ है, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि उन क्षेत्रों में भी समृद्धि हो रही है। यानी अगर हम ये कहें कि स्टील के क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, इसके अलावा इंडस्ट्री के क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, जब सारे क्षेत्रों में ग्रोथ होगी तब हम कहेंगे कि विकास हो रहा है। अगर एक क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, अन्य क्षेत्रों में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि विकास हो रहा है। विकास का मतलब, विकास एक बहुआयामी शब्द है, इसका मतलब है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, कृषिगत विकास, यानी जितने भी विकास होंगे वो सारे के सारे होंगे, तब हम कहेंगे कि देश विकास कर रहा है। तो यानी ये छोटा शब्द है समृद्धि, और विकास जो है ये क्या है, काफी बड़ा शब्द है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस से संबंधित दो शब्द और हैं, उनको हम धीमे धीमे समझेंगे, और उनको समझने के बाद आज की वीडियो को समाप्त कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ इन दो ही शब्दों को आज समझेंगे। एक है ICOR और एक है COR, दो कॉन्सेप्ट हैं। मुझे लगता है कि SSC, बैंकिंग, इन चीजों में ICOR, COR जितने भी टीचर्स होते हैं वो उनको पढ़ाते ही नहीं, वो पढ़ाते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है कि ये आखिर है क्या।
तो यहां पर आपको समझना है कि आईसीओआर और सीओआर आखिर है क्या। कभी कभी तो एग्जामिनर की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके अलावा सीओआर यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो, जैसे यहां पर एक शब्द है रेशियो, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये रेशियो है वो कैसा है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होता है, रेशिया, रेशिया से बना है रेशियो, रेशियो जो है वो कैसा है, प्लूरल। लेकिन यहां पर हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के बारे में ही चर्चा करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले तो हम इसको समझ लेंगे, तब हम समझेंगे किसको, इसको। जैसे मान लीजिए हमें एक फैक्ट्री लगानी है, क्या लगानी है, फैक्ट्री, और फैक्ट्री का नाम है मान लो सत्येंद्र राज इंडस्ट्री। सत्येंद्र राज इंडस्ट्री, और इस सत्येंद्र राज इंडस्ट्री में किसकी इंडस्ट्री है ये, तो यहां पर हम बनाते हैं टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी मतलब सॉस। और जो सॉस का बिजनेस है वो तो आपको पता होगा कि काफी बृहद बिजनेस है। तो यहां पर जो फैक्ट्री लगाई गई है सत्येंद्र राज इंडस्ट्री, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि इसके लिए कुल रुपए कितने हैं, 500 करोड़। तो 500 करोड़ रुपए मुझको इन्वेस्टमेंट करना है, और जब 500 करोड़ रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने कहा 100 करोड़ की जमीन खरीद ली। 100 करोड़ की जमीन खरीदने के बाद 100 करोड़ रुपए मशीन, इसके अलावा 100 करोड़ रुपए का कच्चा सामान, टमाटर मसाले जितने भी चीजें चाहिए सॉस में मिलाने के लिए, वो सारा का सारा सामान। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए मान लो सरकार के पास जमा कर दिए इंडस्ट्री। तो यहां पर यानी 500 करोड़ को हमने बांट दिया 100 100 100 और 200। अब यहां पर अगर हम देखें कि वास्तविकता में उत्पादन में कितना पैसा खर्च हुआ है, तो वो कौन सा है, 100 करोड़ रुपए कच्चा माल। बाद बाकी का तो जैसे मशीनों में, तो ऐसा थोड़ी है कि हर बार सॉस बनाएंगे तो हर बार नई मशीन लेके आएंगे, ऐसा तो है नहीं, मशीन तो एक ही बार लगानी है। इसके अलावा जमीन एक बार खरीदनी है, सरकार को भी एक बार पैसा देना है। तो यहां पर यानी वास्तविकता में यानी कच्चे माल में 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और हमने पैकेट बना दिए कितने, 100 करोड़। एक पैकेट 1 रुपए का है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि पूंजी कितनी, तो 100 करोड़, और सामान कितना बना है, 100 करोड़ पैकेट। तो ये हमारा सीओआर निकल के आ गया, यानी सीओआर बराबर होता है पूंजी बटे उत्पादन, यानी कुल पूंजी कितनी लगाई। तो यहां पर ये 100 नहीं लगाई है, शुरुआत में कितनी लगाई है पूंजी, 500 करोड़, और पैकेट कितने बने हैं, 100 करोड़। यानी 500 करोड़ में हमने पैकेट कितने बना पाए, 100 करोड़। तो इसका मतलब सीओआर कितना आ गया, 5। यानी हम कह सकते हैं कि सत्येंद्र राज इंडस्ट्री का सीओआर कितना है, 5 है। अब हमें समझना है आईसीआर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अच्छा, मैंने सोचा कि एक बार इंडस्ट्री लग गई, ये कब है, जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तब निकालते हैं सीओआर, और जब इंडस्ट्री चल रही होती है उसके बाद हम क्या निकालते हैं,
आईसीयूआर, तो आईसीयूआर में हम किसकी बात करते हैं? आईसीयूआर में हम बात करते हैं, जैसे शुरुआत में मेरा पैसा लगा था कितना, 500 करोड़, पैकेट बने थे कितने, 100 करोड़। अब मैंने दोबारा 500 करोड़ रुपए और लगा दिए, तो अब ये बताओ इन 500 करोड़ में पैकेट 100 करोड़ बनेंगे कि ज्यादा बन सकते हैं? ज्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन में नहीं खर्च करना है, फैक्ट्री में नहीं करना, मतलब जमीन में नहीं खर्च करना है, बाद बाकी की चीजों में नहीं खर्च करना है। तो पता चला कि 500 करोड़ जैसे ही पैसा लगाया तो पैकेट बन गए कितने, 1,000 करोड़। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति का खाना बनाएंगे तो ज्यादा पैसा 1,000 रुपये खर्चा आएगा, 2 का बनाया तो 1,500, 3 का बनाया तो 2,000। यानी जैसे जैसे सदस्य बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यानी प्रति सदस्य जो पैसा है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर 500 करोड़ के बाद 500 करोड़ और लगा दिए, 500 करोड़ से पैकेट बने कितने, 1,000 करोड़। तो टोटल कितना हो गया ये, 1,000 करोड़ रुपए तो पैसा हो गया, और यहां पर ये कितना हो गया, 1,100। यानी हम इसको कहें कि 10/11, यानी 1 से भी कम आ रहा है। तो आईसीओआर सीओआर की तुलना क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस भी इंडस्ट्री का आईसीओआर जितना कम होता है, यानी पैसा कम बढ़े और माल ज्यादा बढ़े, इसका मतलब यह है कि पैसा कम लगा रहे हैं, माल ज्यादा उत्पादित हो रहा है, सामान ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा फायदा होगा। अगर नीचे वाली चीज ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है, ऊपर वाली चीज कम तेज गति से बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। और इसके इसीलिए हम कह सकते हैं कि आईसीओआर जितना कम होगा वह सेक्टर उतना ही मजबूत क्षेत्र माना जाता है। जैसे कृषि, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत पैसा लगाते हैं तब जाके सामान उत्पादित होता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि उसका आईसीओआर ज्यादा होता है। जैसे रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट क्षेत्र का आईसीओआर बहुत ही कम होता है। कैसे कि मान लीजिए कोई एक दुकान खोल ली और उस दुकान में ढोसा बेचते हैं। अब यहां पर देखा कि शुरुआत में एक ढोसा कितने रुपए का है, 20 रुपए का है, यानी 20 रुपए लगाया और ढोसा बनाया कितना, 1, ठीक है। अब यहां पर फिर हमने देखा कि उसमें थोड़ी सी व्यवस्था और कर दी, कुर्सियां वर्सियां डाल दी, बैठने की व्यवस्था कर दी, डोसा कितने का कर दिया, 30 का कर दिया। डोसा वही है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसके अलावा वहां पर और सारी व्यवस्थाएं कर दी, जैसे एसी वगैरह लगा दी, वही डोसा 30 से बढ़ाकर कितने का कर दिया, 40 का कर दिया। सजावट कर दी और अच्छी तरीके से, वही डोसा है कितने का कर दिया, 50 रुपए का कर दिया। यानी 20 रुपए के डोसे को हम कितने बेच रहे हैं, 50 रुपए में। तो यहां पर क्या है, पैसा उतना ही खर्च हो रहा है भाई, एसी में एक ही बार तो खर्च करना है, तो एसी में एक बार खर्च करना है, लेकिन डोसा तो रोजाना बिकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आईसीआर लगातार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए बिजनेस करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो पहले चेक कर लिया करें कि आईसीआर कम है कि ज्यादा। आईसीआर कम है तो बिजनेस डाल लो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा ही होगा। अगर आईसीआर क्या ज्यादा है तो बिजनेस में लॉस हो सकता है, लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमने दो टॉपिक समझ लिया आज, सीओआर और आईसीआर। इससे संबंधित अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके जवाब दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।